एवरीवन, दिस इज रानी नसीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार, तुम लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग क्या है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस का मिलेगा जवाब। अच्छा, तो सबसे ज्यादा डीएम में जो एक चीज मुझसे पूछी जाती है वो है कि आपका कोई क्रश है। तो यार, मेरा कोई भी क्रश नहीं है। आजकल के जमाने में हर किसी का कोई ना कोई क्रश होता है, पर क्या ही कह सकते हैं, मेरा कोई क्रश नहीं है अभी तक तो, और ना ही मुझे आगे कोई चांसेस लगते हैं कि मेरा कोई क्रश होगा। मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगेगा कि काफ़ी अजीब ही बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है आजकल के ज़माने में, तो बिल्कुल भी नहीं है। जिससे पूछो कोई ना कोई उसका क्रश होता है, पर मेरा क्रश नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, और अगला क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज दैट, आर यू लर्निंग कराटे? करंटली यू आर इन विच बेल्ट? अच्छा, तो कराटे मैं अभी नहीं करती, और जो मैंने अभी वीडियोस पोस्ट की थी वो मेरे पास मेरा यूनिफॉर्म पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने वीडियोस पोस्ट की थी पहनकर, और मैं तकरीबन 4-5 साल पहले करती थी कराटे, मतलब टेक्वांडो, और उसके बाद मैंने नहीं किया, और मैंने 1 साल किया था टेक्वांडो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव क्यों नहीं होती? अच्छा यार, मैं मतलब एक्टिव होती हूँ, पर मैं जो बाकी लोग हैं, बाकी टिकटॉकर और यूट्यूबर्स वगैरह, उनके मुकाबले में मैं एक्टिव नहीं होती। यूट्यूब पे तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, ऐसे सदियों सालों बाद मेरे व्लॉग आते हैं, तो इस वजह से भी नहीं एक्टिव थी, क्योंकि 1 महीने से तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं, घर पर काफ़ी काम होते हैं, तो इसकी वजह से फिर मैं नहीं हो पाती इतनी एक्टिव। पर मुझे उम्मीद है कि अब से मैं जो हूँ ना, सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत एक्टिव होंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एज क्या है? अच्छा, तो मैंने ना पिछले साल जब मेरी बर्थडे हुई थी December 8, तो मैंने बताया था और केक पे लिखा भी हुआ था, मतलब कैंडल्स पे लिखा हुआ था कि 18 की हुई हूँ मैं। तो इस साल मैंने हो जाना 8 दिसंबर को 19 का, ठीक है? तो 19 है मेरी एज, मतलब कुछ दिनों बाद मैं 19 की हो जाऊँगी, 19 ईयर्स की, क्योंकि मैं 2005 में पैदा हुई हूँ। जो लोग भी 2005 में पैदा हुए हैं वो बताएं मुझे कि वो 2005 में, मतलब मेरे सेम ईयर है जिनका। अच्छा, आप विच गेम यू प्ले, फ्री फायर और पबजी? ना ही तो मैं फ्री फायर खेलती हूँ, ना ही मैं पबजी खेलती हूँ, मुझे ये दोनों गेम्स ही नहीं पसंद। क्या इनमें रोला होता है, मतलब मुझे नहीं पसंद। काफ़ी ज़्यादा हिट हैं ये, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पर मैं गेम्स नहीं खेलती, किसी भी किस्म की गेम्स नहीं खेलती मैं, समझ आ गई। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी रियल आईडी का, टिकटॉक वाली आईडी का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें, क्योंकि आपकी फेक आईडी। अच्छा, ये है मेरे रियल अकाउंट टिकटॉक का, जिसके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाकियों के किसी के मैंने अभी तक नहीं देखे मिलियन में फॉलोअर्स। हाँ, मिलियन में व्यूज़ आपको मिल जाएंगे उनकी आईडी पे, फेक आईडीज़ के, और लाइक भी मिल जाएंगे, पर यह है कि फॉलोअर्स नहीं है। तो क्योंकि यार मेरी फेक अकाउंट काफ़ी ज़्यादा, तुम लोगों को मतलब अंदाज़ा कर सकते हो कि जब मैं अपना फॉर यू चला रही होती हूँ तो उसमें मेरी ही वीडियोस आ रही होती हैं, और वो ऐसे एडिट की होती हैं काफ़ी, तो बहुत अच्छी होती हैं, मैं लाइक भी कर देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, मेरा सवाल है कि आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम? अच्छा, तो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ये हुआ था कि आधे लोग कह रहे थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, आधे लोग कह रहे थे कि मैं मुस्लिम हूँ। तो आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, सब रिलीजन्स के मेरे फ़ैन हैं, मुस्लिम भी हैं और इंडिया से भी काफ़ी हैं, और क्रिश्चियंस भी हैं, पर मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, क्योंकि किसी फेक अकाउंट ने वीडियोस पोस्ट की थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आई एम मुस्लिम, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे शक था कि मैं मुस्लिम हूँ, तो ऐसे नहीं है, आई एम क्रिश्चियन, ठीक है। अच्छा, आर यू मैरिड? यार, तुम लोगों को मेरा मुंह देख के लगता है, मतलब ये सवाल तो बेहद किया जाता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, ना ही इसका कोई मतलब इसका कोई सिर पैर ही नहीं है इस सवाल का। तुम लोगों को हमेशा मैं अपने बहन भाइयों के साथ आवारा गर्दियाँ करती हुई नजर आ रही होती हूँ। तो बता रही हूँ, मेरी 18वीं सालगिरह हुई है, और मैं अभी इस दिसंबर में 19 साल की हो जाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल है भला? तुम खुद सोचो यार, तुम खुद सोचो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी, मतलब क्या कहूँ यार, तुम लोगों ने मुझे स्पीचलेस कर दिए। जब भी मैं ये देखती हूँ कभी तो मुझे हंसी आती है, यार ये कैसा सवाल है, कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कैसा सवाल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जो ना आई एम सिंगल एंड सिंगल एंड नॉट अवेलेबल एंड सिंगल, ये वाला हिसाब है मेरा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट सवाल, रानिया आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितनी एजुकेटेड हैं? अच्छा, मैंने भी फर्स्ट ईयर की है, सब लोगों को पता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग नहीं देखे हुए।
अच्छा तो मैंने फर्स्ट ईयर किया है और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल कर रही हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। आप इस्लामाबाद किस जगह से हो? अच्छा आप लोगों को पता है कि मैं इस्लामाबाद से हूँ। अब कह रही हैं इस्लामाबाद में भी कहाँ अपने घर का एड्रेस ही ना दे दूँ आप लोगों को। अच्छा इस्लामाबाद में ना काफ़ी ज़्यादा घर हैं, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया, अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं और इसी तरह कॉलोनीज हैं, तो इनमें से एक घर मेरा भी है, इतना ही काफ़ी है। आप सिद्धू के सॉन्ग पर वीडियो क्यों नहीं बनाती? यार सिद्धू मूसे वाला मेरा फेवरेट है और मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ सिद्धू मूसे वाले के सॉन्ग पे, आपने देखी नहीं है शायद। आपको कौन सा यूट्यूबर अच्छा लगता है? यार वही पंजाबी में मिसाल भी होती है इसकी, पर यार मैं जब मतलब खुद यूट्यूबर हूँ तो मुझे कोई और यूट्यूबर तो इस तरह नहीं अच्छा लगता, ना ही मैं किसी के व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा देखती हूँ, तो मुझे मैं खुद ही अच्छी लगती हूँ। क्रिंज बट रियलिटी कि मैं किसी के व्लॉग्स नहीं देखती, ये एक रियलिटी है। मेरी अम्मी देखती हैं व्लॉग, मेरे बहन भाई देखते हैं, पर मैंने नहीं देखे व्लॉग किसी के, पता नहीं क्यों। जाते आते देख लेती हूँ कोई फेमस हो जाए, कोई बात कर रहा हो किसी के व्लॉग के बारे में, अदरवाइज मैं ऐसे कोई मेरा यूट्यूबर फेमस नहीं है, ना ही मैं किसी के व्लॉग देखती हूँ। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? यार सिंगर भी मेरे वक्त के साथ बदलते रहते हैं, 3-4 सिंगर हैं, करण ओजला, सिद्धू मूसेवाला, बोहिमिया, ये 3-4 सिंगर हैं जो मुझे पसंद है, जिनके गाने मैं सुनती हूँ। कोई भी नया गाना आता है तो मेरा फेवरेट हो जाता है, ऐसे कोई एक सिंगर नहीं है मेरा फेवरेट। आप मीटअप क्यों नहीं करती? यार मीटअप नहीं करती मैं, मुझे पसंद ही नहीं है मीटअप करना। रियलिटी है कि मतलब वैसे मुझे कोई फैंस मिल जाते हैं तो मैं मिल लेती हूँ उनसे, पर ऐसे स्पेशली जो मीटअप करते हैं टिकटॉकर्स वगैरह, वैसे मैं नहीं करती, ना ही तो मुझे घर से इजाज़त है इस काम की, और ना ही मैं खुद पसंद करती हूँ मीटअप्स वगैरह, तो इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को किसी भी गैदरिंग में इस तरह नहीं नजर आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है? यार ड्रीम कार पता है क्या, मेरा क्या मानना है कि जो मेरा अगला स्टेप हो ना वो मेरे अगले दूसरे हाथ को भी ना पता हो, तो मैं ऐसे तो कैसे बता दूं मेरी ड्रीम कार कौन सी। अच्छा तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट करो कि ना मैं अपनी ड्रीम कार लूं, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये है मेरी ड्रीम कार, ठीक है? और खुदा करे जब मैं अपनी ड्रीम कार लूंगी तो फिर तुम लोगों को बताऊंगी, ऐसे मैं अब क्या ड्रीम कार बताऊं। आप इतने अच्छे एक्सप्रेशंस कैसे देती हैं? यार मैं ना बचपन से ही ना काफ़ी ज़्यादा टॉकटिव थी और काफ़ी ज़्यादा ना हर चीज़ को वो क्या कहते हैं, मुझे बच्चे नहीं होते जो हर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लंट रिप्लाई करते हैं, ब्लंट नहीं कह सकते, शोखे कुछ होते हैं, शोखी नहीं, आई एम कैसी बच्ची थी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ना बातें शातें करने वाली, एक्सप्लेन करने वाली, टेप रिकॉर्डर जो होते हैं बच्चे उस टाइप की, तो फिर उधर से मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, मैं अपने घर वालों से इतना रहती थी कि मतलब मुझे जो मेरा दिल करता था ना मैं करती थी, तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, और जब मैं कॉन्फिडेंट थी बिल्कुल तो फिर मैं जो मर्जी करती थी तो मुझे परफेक्ट लगता था, और मैं इसी तरह की शक्लें बनाती हूँ, इसी तरह की एक्सप्रेशंस देती हूँ जो कि आप सब बड़े पसंद करते हो, थैंक यू सो मच। अच्छा रानिया आपकी यूट्यूब और टिकटॉक की इनकम कैसे आती है? ये डिटेल ब्लॉग है, ये मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, ये इसमें कवर नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा आप पंजाब कॉलेज कौन से वाले में पढ़ती हो? अच्छा मैं पंजाब कॉलेज पढ़ती थी, मेरा उनके साथ कोई ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो फिर मैं वो कॉलेज नहीं जाती अब। रानिया आप सोशल मीडिया और पढ़ाई साथ, रानिया जी आप सोशल मीडिया और पढ़ाई साथ लेकर कैसे चलती हैं? अच्छा सोशल मीडिया तो मैं लेकर चलती हूँ, पढ़ाई सोशल मीडिया के पीछे पीछे आती है, साथ नहीं चलती ये दोनों। सोशल मीडिया और पढ़ाई का आपस में कोई मुकाबला नहीं। तुम लोगों को लगता है कि जो बंदा सोशल मीडिया पे है वो हर टाइम, मतलब मैंने ज्यादा अंदाजा लगाया लोगों का, उनको लगता है कि जो बंदा सोशल मीडिया पे है ना वो हर टाइम यूं यूं हर टाइम वीडियो, ऐसे नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी गाइज। मतलब वो इंसान वीडियोज बना रहा, तुम लोगों को पता ही होगा बंदा एक दफा वीडियोज बना रहे थे पोस्ट कर देता है, छोटी मोटी इंसान स्टोरी बना लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे कोई उफ पता नहीं क्या स्टेटमेंट लोगों के दिमाग में बना हुआ है। तो हम आम जिंदगी जीते हैं, हम लोग भी कभी कभी कैमरा इस्तेमाल करते हैं जैसे आप लोग करते हैं, तो वैसे ही करते हैं, ऐसे नहीं होता, बहुत कम होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स जो हर वक्त हर दिन एक्टिव होता है उनका, और बहुत मेहनत होती है वो। अच्छा आपकी कास्ट क्या है? आपकी कास्ट, अच्छा मेरी कास्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों की है, और मेरी कास्ट है सोतरे, ये मेरी कास्ट। अच्छा
आपकी बाजू पर क्या हुआ, इसके ऊपर पूरा डिटेल ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है कि मेरी बाजू पे हुआ क्या था, मजली कैसी थी, मैंने एक एक खबर उसमें दी भी है। पर मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरी बाजू में जब मैं 3 साल की थी तो मेरी बाजू जल गई थी, और उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट्स के बाद, सर्जरीज के बाद मेरी बाजू काफ़ी बेहतर है, तुम लोगों को पता ही है वैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मैट्रिक के नंबर नहीं बताया आपने। अच्छा, मैट्रिक में मेरे कितने मार्क्स आए थे? यार मैं वो बच्ची हुई नहीं जो मतलब पहले दिन से पढ़ती हूँ, इस तरह तो कोई भी नहीं होता, पर मतलब मैं वो जो 1-2 महीने पहले पढ़ती हूँ तो उसी तरह मैंने पढ़ा था मैट्रिक में, और 9th में तो मैंने पढ़ने की जहमत ही नहीं की थी क्योंकि वो कोविड में जो है ना हुआ था, तो जिनमें कोविड में जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था उनके नंबर अच्छे आ गए थे, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था उनके एवरेज मार्क्स आए थे। तो मेरे मार्क्स आए थे 660 नंबर थे मेरे। रियलिटी तुम लोगों को वैसे भी देखने को मिल जाता है, गूगल कर सकते हैं तो मिल जाता है। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आपके अब्बू कहाँ हैं, आपके अब्बू क्यों नहीं आते व्लॉग में। यार मैं घसीट के वैसे भी किसी घर वाले को व्लॉग में नहीं लेके आती, मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, जो बीच में दिल करता है आ जाता है व्लॉग, जिसका दिल करता नहीं आता, तो अब अपनी अपनी मर्जी है जी, इसमें वो तो नहीं है ज़बरदस्ती। तो अभी तक के जितने सवाल जो कि आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पूछे थे, क्योंकि मैंने उस दिन इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई थी कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं उन पर क्यों मैंने कर दूंगी, तो वो सीन हो चुका है डन। तो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में बताना है कि मैं क्या बनाऊँ, ठीक है। और अभी तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना मत भूलना, और क्या करते हैं सब्सक्राइब भी कर दो, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय।